ar-rahman Rahmani Rahim assalamu Alaikum student. Welcome to the online biology class. We have completed our first chapter. Now we will move toward our second chapter, which is homeostasis of 10th class. In this chapter, the major concepts which we have to discuss is homeostasis in plants, homeostasis in humans, urinary system of humans and disorders of kidney. In today's lecture, we will discuss what is homeostasis, what are the main processes of homeostasis, and we will cover homeostasis in plants in detail. Now, first, what is this homeostasis? Homo means same, state. Halat. Homeostasis means internal condition of body. Jo hai, ह्यूमन की एनिमल्स की प्लांट्स की उनको मेंटेन रखना ऐसा रखना कि बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनमें कोई चेंजिंग ना आए कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो वो एज़ इट इज़ परफॉर्म होते रहें एफिशिएंट वे में बॉडी का इंटरनल सिस्टम चलता रहे तो बॉडी की इंटरनल कंडीशन को एक्लिब्रियम पे रखने के लिए जो प्रोसेस बॉडी में हो रहे हैं दैट इज़ होम्योस्टेसिस चाहे एक्सटर्नल इन्वामेंट में जितनी मर्जी चेंजिंग आ जाए इंटरनल इन्वायरमेंट पर वो चेंजेस इफ़ेक्ट ना करें बॉडी को इसके लिए जिन जिन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जो जो काम करने पड़ते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या होता है समर सीजन में आप देखें फोर्टी फाइव प्लस हो जाता है फोर्टी प्लस हो जाता है और विंटर सीजन में वो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो चाहे जो भी टेम्परेचर हो इंटरनल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना रहना चाहिए थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इंटरनली बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंजाइम ने जो वर्किंग करनी है उनको यही टेम्परेचर चाहिए अपनी वर्किंग के लिए अगर इस टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाता है एंजाइम की फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा डिफरेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उन पर इफेक्ट होगा बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगी सो इंटरनल कंडीशंस को एक्ब्रियम पे मेंटेन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन देख लेते हैं इसके होम्योस्टेसिस डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट एक्लिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी तब्दीली आ जाए जितनी मर्जी चेंजिंग आ जाए बॉडी की इंटरनल कंडीशन एक्लिब्रियम पे रहनी चाहिए दिस इज होम्योस्टेसिस एग्जाम्पल्स दिए हैं दो दो फर्स्ट यही बॉडी टेम्परेचर की कोर टेम्परेचर ऑफ़ ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइड फ्लक्चुएशन इन सराउंडिंग टेम्परेचर सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल शुगर का लेवल पर लीटर ऑफ़ ब्लड वन ग्राम ही होता है चाहे हम जितनी मर्जी चीनी खा लें जितनी मर्जी हाईली कार्बोहाइड्रेटेड रिच फूड खा लें कार्बोहाइड्रेट्स उसकी ब्रेक डाउन करें तो सिंपल क्या प्रोडक्ट बचेगी ग्लूकोज तो मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट लें जितनी मर्जी शुगर ले लें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना रहता है वन ग्राम पर लीटर इसके अलावा हमने इंजाइम्स के बारे में पढ़ा था वो इंजाइम जो बॉडी के अंदर हैं और प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या पढ़ा था आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर उस टम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कम होगा तो एंजाइम वर्किंग नहीं कर सकेगा ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगा तो इंटरनल कंडीशन किस लिए इंपॉर्टेंट है ताकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम जिस स्पेसिफिक कंडीशन पर वर्क कर रहे करें जिसपेसिफिक पी एच पे जो भी फैक्टर जो इंज़ाइम को इफेक्ट कर रहे हैं इंटरनली अगर वो मैंटेन रहते हैं प्रॉपर तभी वो एंजाइम एफिशेंट वे में वर्क कर सकेगा

टिश्यू फ्लूड्स और ब्लड या इस तरह का कोई भी बॉडी फ्लूड है उसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट जितनी होनी चाहिए उसको मेंटेन रखता रखा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑसमो रेगुलेशन रेलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट की जो ब्लड फ्लूड के अंदर होनी चाहिए उतनी अमाउंट किन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हमने डिटेल में नाइन्थ क्लास में पढ़ लिया है डिफ्यूजन क्या है ऑस्मोसिस क्या है मूवमेंट ऑफ मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, की तरफ हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की तरफ डिटेल आपने सारी पढ़ ली है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस जो सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं असेंशियल हैं इन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को प्रॉपर वे में जारी रहने के लिए बॉडी के फ्लूड के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की स्पेसिफिक अमाउंट का मेंटेन होना जरूरी है और वो किस प्रोसेस के थ्रू मेंटेन रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूड लिए ताकि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के प्रोसेस जो सेल को रिक्वायर्ड हैं सेल की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं वो प्रॉपर वे में कॉन्टिन्यू रह सकें नेक्स्ट वन थर्मो रेगुलेशन थर्म थर्मो ये टर्म किससे रिलेट करती है टेम्परेचर से तो थर्मो रेगुलेशन में क्या है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बॉडी के इंटरनली जो भी टेम्परेचर है जैसे हमने ह्यूमन की एग्जांपल पहले ऊपर पढ़ी कि कोर टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती हैं लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो वो इंटरनली बॉडी को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है बॉडी की सारी इंटरनल सिस्टम की या मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनकी वर्किंग इफेक्ट करेगी तो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर की मेंटेनेंस किस प्रोसेस में हो रही है इन थर्मोरेगुलेशन ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर है पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एंजाइम अगर इस टेम्परेचर में कोई चेंज आती है तो एंजाइम की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी टम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन या मेटाबोलिक रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे सो so, मैक्सिमम या कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जाता है इन थर्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन इज़ देंटेन्स ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने डिटेल में पहले पढ़े भी हुए हैं एक्सक्रीशन मीन्स मेटाबोलिक वेस्ट जो बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में एज अ बाय प्रोडक्ट टॉक्सिक केमिकल या मटेरियल प्रोड्यूस हुए हुए हैं और वो बॉडी के इंटरनल कंडीशन पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनका बॉडी से बाहर निकल जाना एलिमिनेट हो जाना हारेज हो जाना ह्यूमन की अगर बात करें हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है किस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई है केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुई है वो केमिकल रिएक्शन क्या है रिस्परेशन रिस्परेशन में वो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि वो बॉडी में रहेगी तो वो टॉक्सिक है हार्मफुल है बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है इसी तरह डिफरेंट नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो भी फीसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट वो मटीरियल मेटाबॉलिक वेस्ट में वो मटीरियल जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और किसी न किसी तरह से वो बायो प्रोडक्ट्स बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती हैं उन मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकाल दिया जाना उनको एलिमिनेट करना दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन वो किस लिए एलिमिनेट किया जाता है टू मैंटेन द इंटरनल कंडीशन एड एक्लिब्रियम ये तीन प्रोसेस हैं जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बॉडी टेम्परेचर और बॉडी के अंदर से हार्मफुल केमिकल को निकाल देना ताकि इंटरनल कंडीशन एक्लेबियम में मेंटेन रहें ये तीनों प्रोसेस मिलके होमियोस्टेसिस होम्योस्टेसिस का काम कर रहे हैं मींस ओवरऑल इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी को एक्लिबियम पे रख रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट डिटेल टॉपिक आता है डेट इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट जिस तरह बाकी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एनिमल वो एक्सटर्नल इन्वामेंट में जो चेंजेज़ आ रही हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को इंटरनल कंडीशन को कॉन्स्टेंट रखने के लिए उसको रिस्पॉन्ड हैं प्लांट भी ऐसे ही इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि अपना इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल कंडीशन को कॉन्स्टेंट रख सकें उनमें कोई चेंजिंग ना हो ताकि इंटरनली जो प्लांट्स में डिफरेंट मैकेनिज़्म हो रहे हैं वो प्रॉपर वे में कॉन्टीन्यू रहें डिफरेंट मैकेनिज्म प्लांट भी अप्लाई करता है होम्योस्टिस को मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस के लिए वाटर के लिए जो वाटर बॉडी में जितना चाहिए प्लांट बॉडी में पूरे प्लांट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो प्लांट बॉडी में हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वाटर की होम्योस्टेसिस के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है प्लांट्स में डिफरेंट और केमिकल्स हैं लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कब उनका रिमूवल होता है उसके लिए मेंटेनेंस है प्रॉपर नाइट्रोजनियस वेस्ट जो या डिफरेंट और मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं उनका रिमूवल कैसे हो इसके लिए प्लांट ने डिफरेंट मैकनिज़म है जो वो अडॉप्ट करता है फॉलो करता है और अपनी इंटरनल कंडीशन को एक्लिब्रियम पे मेंटेन रखता है मींस प्लांट भी अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखने के लिए मेंटेन रखने के लिए इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है और डिफरेंट मैकनिज़म है जिसको फॉलो करते हुए वो इंटरनल कंडीशन मैंटेन रहती हैं फ़र्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर अगर हम डे टाइम में देखें प्लांट के अंदर डे टाइम में सेलुलर रिस्परेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूटिलाइज़ होगी दिन में इन द प्रोसेस ऑफ़ फ़ोटोसेंस दिन में फोटोसेंसिस हो रही है फूड मेकिंग प्रोसेस हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ रिस्प्रेशन वो फोटोसेंसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है सो एट डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर हमारे सामने नहीं आता डे टाइम में लेकिन रात के वक्त रिस्परेशन का प्रोसेस तो कॉन्टीन्यूस है कॉन्टिन्यूसली जब तक प्लांट सर्वाइव कर रहा है उसने रिस्परेशन करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो डे टाइम में भी प्रोड्यूस होगी एट नाइट टाइम में प्रोड्यूस होगी बट डे टाइम में वो फोटोसेंथिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज़ हो जाती है रात के वक्त में वो जो सरप्लस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही क्योंकि रात को फोटोसेंथसिस नहीं हो रही क्या होता है रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के टिश्यूज़ या सेल्स से बाहर निकल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्राम एरिया ऑफ़ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन दिन के वक्त फोटोसेंसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है नाइट टाइम में क्या होगा वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी प्लांट टिश्यूज से सेल से बाय डिफ्यूजन लीव्स की बात करें और यंग स्टेम्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू निकलेगी थ्रू स्टोमेटा ओपनिंग एट लोअर एपिडर्मस कुछ प्लांट में अपर एपिडर्मस पे भी होती है लेकिन मोस्टली प्लांट में लोअर एपीडर्मस पे स्पेसिफिक पोर्स हैं ओपनिंग है स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीव्स में और यंग स्टेम में कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलेगी स्टोमेटा के थ्रू और यंग रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती है बाय जनरल रूट सरफेस स्पेशली रूट हेयर्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही है वो बॉडी से बाहर प्लांट की बॉडी से बाहर निकल रही है दिस इज द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है नाइट टाइम में वो वेस्ट प्रोडक्ट है लीफ और यंग स्टेम में वो स्टोमेटा के थ्रू निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज यंग रूट में थ्रू जनरल सरफेस रूट सरफेस होती है थ्रू रूट हेयर होती है नेक्स्ट वन इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे रिमूव किया जाए ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस फोटोसेंसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसेंसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है पहली बात कि वो डे टाइम में हो रहा है लीफ में हो रहा है लीफ के मीजोफिल सेल्स में फोटोसेंसिस हो रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंसिस प्रोड्यूस होती है कुछ ऑक्सीजन सेलुलर स्परेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है बाकी ऑक्सीजन स्ट्रोमेटा के थ्रू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का रिमूवल किसके थ्रू हो रहा है थ्रू स्ट्रोमेटा वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीफ में से निकल रही है दिस इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नेक्स्ट वन इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर पहले ये पता चले कि प्लांट के पास वाटर आता कहाँ से प्लांट कहाँ से लेते हैं वाटर प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्राम सॉयल इसके अलावा सेलुलर रिस्परेशन का प्रोसेस जो है उसमें भी वाटर एज अ बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो तो कम अमाउंट में है लेकिन मेन जो क्वान्टिटी वाटर की आ रही है थ्रू सॉयल आ रही है टू सोर्सेज हैं प्लांट में वाटर की एक तो वो सॉइल से ऑब्टेन कर रहा है वाटर सेकेंड प्लांट के अंदर जो सेलुलर एस्परेशन का प्रोसेस हो रहा है सेलुलर एस्परेशन के प्रोसेस में भी प्रोड्यूस हो रही है प्लांट की बॉडी में वाटर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर तो प्लांट अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेता है उसने अपने सेल को टर्जिड रखना है उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए प्लांट अपने वैक्यूल सेल्स की अगर बात करें तो उस सेल्स के वैक्यूल में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद रहती है तो टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए प्लांट लार्ज अमाउंट में एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्टोर रखता है अपने अंदर उसके बाद अभी भी कोई वाटर मौजूद है जो टर्जिडिटी अपना जो प्रोसेस परफॉर्म करना था इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना है ना यही है कि बॉडी एनिमल की है ह्यूमन की है प्लांट की है उन्होंने क्या करना है अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना है इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए वाटर किस लिए चाहिए था टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए तो टर्जिडिटी को मेंटेन करने के बाद एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है प्लांट ने वो किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करता है बाय ट्रांसफारेश ट्रांसफारेशन एंड बाय गटेशन ट्रांसपारेशन के बारे में आपको पहले से पता है इनको वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं ये दूसरी टर्म आपके लिए न्यू है गटेशन ट्रांसफायरेशन क्या है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर टू प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ट्रांसपायरेशन फर्स्ट वन इसको डिस्कस करते हैं ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्राम प्लान सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वेपर्स की फॉर्म में यानी गैशियस फॉर्म में वाटर का प्लाट सर्फेस से बाहर निकल जाना इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ट्रांसपायरेशन रात के वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है या नहीं होता रात के वक्त ट्रांसपायरेशन यूजली डज नाट अकर बिकॉज प्लान हैव देयर क्लोज टोमेटा अगर हायर कंसनट्रेशन होती है वाटर की सॉयल में और वो सॉयल से वाटर एंटर हो जाता है रूट के थ्रू प्लांट की बॉडी में तो प्लांट में जाइलम वैसल्स में स्टोर होगा अगर सॉयल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो रूट के थ्रू प्लांट में एंटर हो गए हैं प्लांट में जाइलम वैसल्स के अंदर वो एक्स्ट्रा वाटर एकूमिलेट रहेगा इकट्ठा रहेगा ट्रांसपारेशन क्लियर है रिमूवल ऑफ़ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रात के वक्त ट्रांसपारेशन नहीं होती क्योंकि स्टोमेटा मोस्टली प्लांट में क्लोज रहते हैं उसके बाद बात की है एक्स्ट्रा वाटर की कि सॉयल में वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा है वो रूट के थ्रू प्लांट बॉडी में एंटर हो जाएंगे और जाइलम वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे ये जो एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स है कुछ प्लांट जैसा कि कुछ ग्रासेस हैं वो इस एक्स्ट्रा वाटर को स्पेशल पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं दिस एक्यूमुलेटेड एक्स्ट्रा वाटर इन जयलम एसल्स इज रिमूव फ्राम प्लान कैसे रिमूव किया जाता है बाई स्पेशल पोर्स उस पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट है प्रेजेंट एट लीव टिप्स आर एज लीव की बिल्कुल टिप पे या उसके किनारों पर स्पेशल पोर्स हैं वहाँ से ये एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है इन दाम ऑफ ड्रॉप तो गटेशन क्या प्रोसेस है अपीरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स आर एजिस ऑफ लीफ़ इज कॉल्ड गटेशन आप देखें मॉर्निंग टाइम में मोस्टली वैसे तो वाटर डे टाइम में सनलाइट में अवेपोरेट ही हो जाएगा बाद में लेकिन मॉर्निंग टाइम में देखें स्पेशल पोर्स जो लीफ़ की टिप पे या उसके किनारों पर होते हैं उनमें ड्रॉप ऑफ़ वाटर नज़र आएंगे आपको वो ड्यू ड्रॉप्स नहीं है ड्यू होती है रात को शबनम गिरती है वो जो एक्सटर्नल एटमोसफेयर में वाटर है वो कंडेंस होकर प्लांट की सरफेस पे आता है डेट इज़ ड्यू ड्यू ड्रॉप्स नहीं है वो कुछ स्पेशलाइज प्लांट होते हैं जिनके स्पेशलाइज पोर होते हैं टिप आर एजिस वहाँ पे ड्रॉप्स की फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल आता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन और गटेशन को ड्यू से कंफ्यूज नहीं करना ड्यू में क्या है एक्सटर्नल एटमोसफेयर में से वाटर कंडेंस होकर प्लांट की सरफेस पे फॉल करता है दैट इज ड्यू बट इन गटेशन एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव बाय स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट टिप आर एजेस ऑफ लीव और वो जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर की अपीयरेंस है दैट इज कॉल्ड गटेशन ये डायग्राम है इसमें देख लें ये लीव की टिप पे और उसके किनारों पर ड्रॉप्स ऑफ वाटर मौजूद हैं ये टिप पे हैं या ये किनारों पे हैं एजेस पे हैं यहाँ पे देख लें ये देख लें ये क्या हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर पेयर हो रहे हैं एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी से बाहर प्लांट ने रिमूव करना है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रिमूवर ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट मीन मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट

मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज अ हार्मलेशस इन सोलेबल मटीरियल वो ना डिजॉल्व होगा ना सोलेबल होगा वो क्रिस्टल से सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं वो किसी भी तरह प्लांट की बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे मेन प्लांट क्या करता है इन मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में इन सोलेबल मटीरियल हार्मलेशस इन सोलेबल मटीरियल की फॉर्म में चेंज करके रख लेता है जिसकी एग्जाम्पल दी हुई है पहली कैल्शियम ऑक्जेट ये सॉल्ट में भी अगर कहा जाए कि सॉल्ट व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट इन प्लांट तो वो भी यही है कैल्शियम ऑक्जलेट एक सॉल्ट है जो प्लांट ने क्या किया है इस सॉल्ट को डिपॉजिट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स क्रिस्टल की फॉर्म में ये डायग्राम देखें कैल्शियम ऑक्जलेट नीडल्स इन अ लीव सेल ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में यानी इन सोलेबल हार्मलेस मटीरियल की फॉर्म में प्लांट ने स्टोर कर लिया है कैल्शियम ऑक्जलेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीफ एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट मोस्टली जो एग्ज़ाम्पल दिया है टोमेटो टोमेटो में कैल्शियम ऑक्जलेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो लीव में या फिर प्लांट के जो स्टेम है उसमें वो स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनसोलेबल मटीरियल यानी क्रिस्टल बन जाते हैं और वो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है फिर आपने एक कॉमन एग्जाम्पल है ईयरली हर साल एक स्पेसिफिक सीजन में ऑटम सीजन में क्या होता है कि ट्रीज़ अपने जो लीव हैं वो शेड कर देता है साल में एक दफ़ा यालविश कलर हो जाता है वो कलर किसकी वजह से है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर हो गई हैं उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से निजात हासिल करने के लिए टू गेट रेड फ्राम दोज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रा, शेड देयर लीव्स ईयरली इस तरह से वो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हार्म हार्मलैसी होती हैं लेकिन फिर भी उनसे निजात हासिल करने के लिए ट्रीज से वो पत्ते ही गिर जाते हैं जिनमें वो स्टोर्ड एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट मौजूद होती हैं इसके अलावा और भी बहुत से केमिकल वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट्स में कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं रेजनस कॉनीफरस ट्रीज़ उनमें प्रोड्यूस होते हैं स्टिकी मटेरियल हैं ये गम कीकर में कीकर तो कॉमन कौ, हमारे पास एग्जांपल है ये ट्री है आप चेक भी कर सकते हैं अगर इर्द गिर्द कभी नज़र आए तो उस पर गमी स्टिकी मटेरियल वो प्रोड्यूस होता है लेटिक्स रबर प्लांट से निकलती है म्यूसिलिज कॉमन एग्जाम्पल है लेडी फिंगर भिंडी उस पर जो स्टिकी मटेरियल है या कार्निवोरस प्लांट्स वो भी म्यूसिलिज से क्रिएट करते हैं म्यूसिलिज लेडी फिंगर भिंडी वो एग्ज़ाम्पल आपने देख ली ये प्लांट है प्लांट्स के हैं कार्निवोर्स क्या होते हैं आपने एनिमल्स में पढ़ा हुआ है कार्निवोर्स क्या हैं यहाँ पर आप कॉर्नीवोर्स प्लांट क्या हैं ये वो प्लांट्स हैं जो एनिमल को ईट करते हैं अपनी नाइट्रोजन की मैक्सिमम अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए नाइट्रोजनियस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ प्लांट्स हैं ये कार्निर्स प्लांट ये एनिमल को खाते हैं ये स्टिकी मटेरियल म्यूसली इससे करते हैं जब एनिमल उनकी बॉडी पर बैठता है कोई इंसेक्ट बैठता है उसके साथ स्टिक हो जाता है चिपक जाता है और वो डिफरेंट इन्ज़ाइम से करते हैं उस एनिमल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड क्लियर है कॉनीवर्स प्लांट ये स्टिकी मटेरियल सिक्रिएट करते हैं जब इंसेक्ट इनके ऊपर आता है वो स्टिक हो जाता है फिर ये उसको ट्रैप करने के बाद डिफरेंट इन्जाइम सिक्रिएट करते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे नाइट्रोजन मेन सोर्स नाइट्रोजन ही होती है वो ऑप्टेन करते हैं अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामोलिक वेस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट बॉडी एंड विच आर रिमूव बाई प्लांट इन दीज डिफरेंट वे कैसे क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं लीफ ईयरली जब अपने ट्रीज uh, ईयरली जब अपने लीव्स को शेड करता है तब वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं या डिफरेंट ये प्लांट्स की एग्जांपल दिए हैं किस तरह से इनमें ये स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं और रिमूव हो जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी इन दिस फिगर यू कैन सी कैल्शियम ऑक्जेट नीडल्स इन अ लीव सेल हर इज़ अ फिगर इन फर्स्ट रिजन ड्रॉप फ्राम अ कट्री ट्री को कट किया है फ्रेशली वो रेजन ड्रॉप वहाँ पे स्टिकी मटेरियल नजर आ रहा है लेटेक्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री एक ट्री से उसको प्रॉपर वे में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है निकाला जा रहा है इज ड्रॉप होना कार्निवर्स प्लांट ये एक प्लांट है यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये स्टिकी मटेरियल तो ये वो प्रोड्यूस कर रहा है जैसे ही वो इंसेक्ट आता है यहाँ पर ये इंसेक्ट है स्टिक कर गया है इसने उसको ट्रैप कर लिया ये देखे यहाँ पे ट्रैप हो गया है अब वो डिफरेंट केमिकल प्लांट प्रोड्यूस करेगा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा उसकी ब्रेक डाउन करेगा और उसको एज अ नाइट्रोजनियस सोर्स यूटिलाइज़ करेगा दिस वॉज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस इन प्लांट प्लांट ने किस तरह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करना है किस तरह से प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है और डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं प्लांट की बॉडी में उनको बॉडी से बाहर रिमूव करता है नेक्स्ट देर आर फ्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी हैं और भी कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर बॉडी एक्स्ट्रा वाटर में आपने डिटेल टॉपिक पढ़ लिया वो आ जाएगा सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम ऑगलेट की मैंने एग्जाम्पल दी वो क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर होते हैं जब ट्रीज अपने लीफ शेड करता है तो वो स्टोर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या सॉल्ट प्लांट की बॉडी से निकल जाएंगे नेक्स्ट डिफाइन होम्योस्टेसिस विद टू एग्जाम्पल होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन एट एटेकोलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू एग्जाम्पल्स आ जाएंगी बॉडी टेम्परेचर की और ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी थ्री प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस ऑसमो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन है उनको डिटेल में डिस्कस करना है हाउ होम्योस्टास अकर इन प्लांट एक्सप्लेन थ्री वेज हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाईऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ये सारा आपने करना है वॉट इज गटेशन ये अलग से टॉपिक है गिटेशन स्पेशलाइज्ड पोर होते हैं प्लांट्स के लीव की टिप पे या एजेस पे थ्रू विच प्लांट्स रिमूवड इन दाम ऑफ ड्रॉप वो दो अपीरेंस वो जो अपीरेंस है ड्रॉप ऑफ वाटर की ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट द टिप्स आर एज ऑफ लीव दैट इज कॉल्ड गटेशन दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे नेक्स्ट वी विल डिस्कस्ड होम्योस्टेसिस इन्यूमन इससे पहले एक टॉपिक हैडजस्टमेंट इन प्लान्ट उसको देखेंगे उसके बाद होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन को डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच्हज़